आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसे आपके YouTube पर कई तरीकों से बताया गया है। लेकिन हम आज इस क्लास की शुरुआत आक्रांता मुगलों के साम्राज्य का पतन और नए स्वायत्त राज्यों का उदय से शुरू करना चाहेंगे। आज का पहला टॉपिक है मुगलों का पतन, या कहे मुगलों के साम्राज्य का पतन, जिसमें जिसमें हम चर्चा करेंगे औरंगजेब की नीति, औरंगजेब के बाद मुगलों का कमजोर होना एवं उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना, अधिकार क्षेत्र बड़ा होना एवं क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा चुनौती प्रस्तुत करना, एवं मराठा शक्तियों द्वारा मुगलों को हराया जाना तथा अंतिम युद्ध के तौर पर पानीपत का युद्ध एवं बक्सर का युद्ध द्वारा मुगलों से सत्ता का हस्तांतरण हो जाना। ये सारी बातें के अलावा इसमें एक और बात जुड़ी जाती है कि कैसे हमारे भारत में 18वीं सदी के आते आते नए नए राज्यों का उद्भव होना शुरू हो गया था, क्योंकि मुगल शक्ति कमजोर हो गया था एवं अंग्रेज आर्थिक आक्रांता के तौर पर हमारे यहाँ एंट्री लेना शुरू कर दिए थे। इसमें हम पहला टॉपिक की बात करेंगे, औरंगजेब की नीति। अब औरंगजेब की नीतियाँ जो थी, हम देखते हैं कि वो बहुत ही क्रूर आक्रांता टाइप का मुस्लिम था। वो हिंदुओं की मंदिर एवं आस्था से विश्वासघात करने वाला व्यक्ति था। वो किसी को भी बख्शता नहीं था। या तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। उसकी इस नीति के कारण ही धीरे धीरे करके उससे राजपूतों का सपोर्ट भी, अर्थात कहिए राजपूत जो उसके साथ मिलकर काम करते थे, खत्म होने की कगार पर थी। और देखा जाए तो सिख, मराठा एवं जाट राजपूत अलग अलग तरह से लड़ना लड़ना शुरू कर दिए थे। अब देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा टॉपिक है औरंगजेब के बाद मुगलों का कमजोर होना, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। अब यहाँ देखा जाए तो मुगलों का कमजोर होना, तो मुगल की जो पॉलिसी थी, नीतियाँ थी, उसमें देखते हैं हम कि उनका जो रूल एंड गवर्नेंस का जो करने का तरीका था, वो बहुत ही घटिया था। और बड़ा साम्राज्य होने के कारण, और आपसी विवाद वो लोग रखते थे। आपसी विवाद कहने का तात्पर्य है कि वो लोग आपस में ही राजा बनने के लिए लड़ना शुरू कर दिए थे, जिसके कारण वो लोग आपस में ही लड़ते रहते थे। और इस कारण से ये उनकी सत्ता उनसे धीरे धीरे करके जाती चली गई। अब देखेंगे अधिकार क्षेत्र का बड़ा होना एवं क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा चुनौती प्रस्तुत करना। क्षेत्रीय शक्ति का तात्पर्य है मराठा पावर, या जाट समुदाय है, या सिख समुदाय है तथा राजपूत है। ये सभी एक नए नए तरीके से मुगलों से अपनी स्वाधीनता को स्वायत्त करना चाहते थे, जिसके कारण वो लोग बहुत ही संगठित तरीकों से मुगलों से लड़ाई लेते थे। लेकिन ये एकजुट नहीं हो पाते थे, अपने क्षेत्र विशेष के लिए ही ये लोग लड़ते थे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण
बात है जो मराठों द्वारा मुगलों को हराया जाना है, ये कई बार जिक्र में आता है। जैसा कि आप भी जानते हैं, आप भी जानने का मतलब जो लोग प्रीवियस स्टूडेंट है वो जरूर जानते होंगे, छत्रपति शिवाजी के बारे में, जो कि 1627 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक के कार्यकाल में काम किए थे। मुगलों से वो लड़ने में बहुत ही शक्तिशाली साबित हुए थे। उनके इसमें एक और राजा की बात होती है जिनका नाम था बालाजी बाजीराव, 1740 से 1761 ईस्वी तक। इन्होंने तो पूरा मुगलों को हिलाकर ही रख दिया था। सत्रह सौ पचास में राजा राम द्वितीय वो पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच संगोला की संधि, इस संधि द्वारा राज्य के संपूर्ण अधिकार पेशवा के पास चला गया और छत्रपति नाम मात्र शासक रह गया। 1752 ईस्वी में मलकी की संधि द्वारा निजाम के बराड़ का आधा भाग मराठों को दे दिया गया। 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में द्वितीय और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच 1752 में मलकी की संधि द्वारा निजाम ने बाड़ा का आधा भाग मराठों को दे दिया। 1760 ईस्वी में मराठों ने उदगीर के युद्ध में निजाम को परास्त किया। फलस्वरूप निजाम के अहमदाबाद, दौलताबाद, बीजापुर, बुरहानपुर मराठों को सौंप दिया गया। 1752 में पेशवा ने मुगल बादशाह से संधि की, जिसके अनुसार मुगल बादशाह ने मराठा को संपूर्ण भारत में चौथ वसूल करने का अधिकार प्रदान किया और उसके बदले मराठों ने अवसर पड़ने पर मुगल बादशाह को सहायता देने का वचन दिया। रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठा 1754 ईस्वी में दिल्ली पहुंच तथा वजीर गाजीउद्दीन की सहायता करते हुए अहमद शाह को सिंहासन से हटाकर आलमगीर द्वितीय को बादशाह बनाया। 1757 ईस्वी में रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण किया और अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नबीबुल दौला को मीर बख्शी पद से हटा दिया तथा अहमद शाह बंगश को मीर बख्शी पद पर नियुक्त किया। 1758 ईस्वी में रघुनाथ राव ने पंजाब पर अधिकार कर अहमद शाह अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को पंजाब से निकाल दिया। पानीपत का अब इसमें देखा जाएगा तो यहाँ पर बालाजी बाजीराव ने राम ने राय ने तो मुगलों को हरा ही दिया था। उसके बाद हम देखेंगे अंतिम युद्ध के तौर पर पानीपत एवं बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध ही मुगलों के पतन के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हुआ था, जिसमें जिक्र किया गया है। हम यहाँ पर पानीपत में तीन युद्धों के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको केवल तीसरे युद्ध के बारे में बताएंगे, जिस युद्ध को पानीपत का तीसरा युद्ध बोला जाता है। इस युद्ध को 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदा शिवराज भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में सदा शिवराज भाऊ को हार का सामना करना पड़ा था। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी,
लेकिन यहाँ यह भी समझना होगा कि पेशवा ने आगरा और दिल्ली पर अपना कब्जा कई सालों से जमाए रखा था, जो कि हमने पहले ही आपको बताया है। और इस युद्ध के बाद ही मुगलों से लगभग 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 सत्ता छीन ही गए थी, और इसका परिणाम बक्सर के युद्ध में सामने आया, जिसे 22 या 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। इस युद्ध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में हेक्टर मुनरो एवं उनके साथ मीर कासिम एवं नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एवं नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का कारण अगर हम जानना चाहेंगे तो ब्रिटिश अपने व्यापार को भारत में और भी एक्सपेंड करना चाहते थे, और दूसरा कारण यह था कि ब्रिटिश यहाँ पर अपने अपने पावर का मिसयूज करते थे। जितनी उनको काम करने के लिए छूट दी गई थी, उससे वो ज़्यादा मनमाने तरीके से काम करते थे। और यहाँ पर जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही विजयी रही, जिसमें मीर कासिम को राजा बनाया तथा उसके बाद 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच एक संधि हुआ, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की सूबेदारी दे दी गई। बदले में अंग्रेजों ने उसे 26 लाख रुपए वार्षिक नजराना देने का वायदा किया।